तोते ने माता सीता को श्राप क्यों दिया था? सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा के अनुसार ये बताया गया है कि आखिर क्यों माता सीता और राजा राम को अलग होने का श्राप तभी मिल गया था जब वो एक दूसरे के गठबंधन में भी नहीं बंधे थे। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग होना पड़ गया था। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा हुआ था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गईं। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहां हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है, इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ हो गई थी। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनकपुरी सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोते ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ आपका विवाह होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रहीं और दोनों तोता जवाब देते रहे। ऐसे में सीता जी प्रसन्न हो गईं और कहा कि अब ये हमारे साथ ही यहाँ पर रहेंगे। लेकिन ये सुनकर तोता हैरान हो गया और उसने कहा कि हम पक्षी हैं, हमें पिंजरे में कैद ना करो। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को तो छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ ही रहेगी। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोते को बहुत गुस्सा आया और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि अगले जन्म में वही तोता धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तो दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।